हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी की पूरी पढ़ाई हम यूट्यूब के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं, यानी बीएससी की चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, बीएससी की कंप्लीट पूरी पढ़ाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की आप यूट्यूब के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं, एक सही तरीका क्या है बीएससी की पढ़ाई यूट्यूब से करने का। आप में से काफ़ी लोग अपनी बीएससी प्राइवेट कर रहे हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो जिन कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती उन स्टूडेंट्स को खुद से ही अपनी बीएससी की पढ़ाई करनी पड़ती है। सारे चैप्टर, सारे टॉपिक सब खुद से ही पढ़ने पड़ते हैं, खुद से ही समझने पड़ते हैं। कुछ ही कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें बीएससी के अंदर पढ़ाया जाता है एकदम प्रॉपर तरीके से, बाकी मोस्टली कॉलेजेस में हमें जो कॉलेज स्टडी है चाहे कोई सी भी हो, बीएससी, बीए, बीकॉम, किसी भी सब्जेक्ट से हो, मोस्टली कॉलेज में हमें खुद से ही स्टडी करनी होती है। टीचरों पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है कॉलेज में जाकर। तो अब किस तरीके से आप अपनी बीएससी की पूरी पढ़ाई करें खुद से ही और यूट्यूब के ज़रिए, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अब ये जो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यानी आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये मेथड आप अपनी स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यदि आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, जो तरीका मैं बताऊंगी उस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का, बीएससी का, जिस भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, पूरा सिलेबस कवर कर लोगे और आपके 80% प्लस आएंगे यदि आप इस तरीके से अपनी बीएससी की पढ़ाई खुद से करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी जो ईयर है, अपना सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस निकाल लो। मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एग्जांपल लेकर चलती हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में हो मान लो आप, अब आपके पास है बीएससी केमिस्ट्री, या फिर जो बीएससी जनरल करते हैं उनके पास, मैथ वालों के पास होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और बायो वालों के पास होती है केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो आपने एक सब्जेक्ट उठाई, कोई भी मान लो केमिस्ट्री उठाई, अब फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस निकाल लिया अपनी यूनिवर्सिटी का। सिलेबस आप कहीं और से मत देखो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। यूट्यूब पर या गूगल पर जो आप डायरेक्ट सिलेबस सर्च कर लेते हो कि बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस, तो वो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिखा देगा, जबकि यदि आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वो होगा आपका सिलेबस जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है, यानी आपके लिए जो सिलेबस हेल्पफुल है जहाँ से आपको पढ़ना है वो आपको केवल आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब आपने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको देखने हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यूनिट वाइज आती है हमारी बीएससी के अंदर, तो आपने पहली यूनिट निकाली। अब पहली यूनिट है मान लो आपकी केमिकल बॉन्डिंग, मैं यहाँ पर कोई भी एक चैप्टर का नेम लेकर आपको समझा रही हूँ, मान लो केमिकल बॉन्डिंग। अब इस केमिकल बॉन्डिंग में आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि इस यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन क्लासेज है वो किस चैनल पर चल रही है, यानी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आते हैं कि मैम मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मुझे अपनी बीएससी की पढ़ाई करनी है, तो मेरे लिए कौन सा चैनल बेस्ट होगा। अब कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आपको पढ़ाए, हर जो चैनल है उस पर आपको बीएससी के टॉपिक्स समझाए जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, आपको जो बीएससी के अंदर टॉपिक्स हैं चैप्टर्स में वो समझाए जाते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपके जो सिलेबस है उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं और फिर चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला आपने चैप्टर लिया जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके नीचे आपके टॉपिक्स भी लिखे होते हैं, मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा दूंगी कि किस तरीके से चैप्टर के नेम के साथ साथ आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी लिखे हुए होंगे आपके सिलेबस के अंदर। अब उन टॉपिक में से आप एक एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए, यदि आपको यूट्यूब से ही अपनी बीएससी की पूरी स्टडी करनी है और पूरा सिलेबस कवर करना है तो। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट चैप्टर नेम भी डालेंगे ना कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर फॉर बीएससी, तो उस चैप्टर के अंदर तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं और हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टॉपिक्स हैं उस चैप्टर से, तो आपका जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जिससे भी आप हो
उस यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस वो एक चैनल कवर नहीं कराएगा, इसलिए आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वही आपको यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ने हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो भी आपके टॉपिक्स हैं एक एक टॉपिक सर्च करिए, उन्हें समझिए वहाँ से। केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक लिया VSEPR थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी। तो अब उस वेस्पर थ्योरी आपके सिलेबस में है, मान लो वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के नीचे लिख रही है टॉपिक्स में कि ये टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर है, और BSc सिलेबस आपने अपनी यूनिवर्सिटी का निकाला है, यानी आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो BSc की एग्ज़ाम होती है उनमें सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिख रहे हैं यदि आपने वो भी अच्छे से कर लिए ना, तो 80+ आपके कहीं नहीं जा रहे। आप सिलेबस के बाहर का एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो सिलेबस में है वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर लो और उन्हें अच्छे से समझ लो यूट्यूब के ज़रिए, और उनके नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। यदि आपको खुद से ही नोट्स बनाने हैं तो जो जो आपके टॉपिक्स लिख रहे हैं सिलेबस में उन टॉपिक्स को समझो पहले यूट्यूब की पर्टिकुलर वीडियो से। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग का वो जो टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, उसको सर्च करा यूट्यूब पर, अब उसको किसी भी वीडियो से आपने समझ लिया, फिर चाहे आप उस टॉपिक को किसी भी वीडियो से समझो। क्योंकि जैसे ही आप यूट्यूब पर टॉपिक डालोगे किसी भी चैप्टर का, जब आप टॉपिक डालते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपने उस टॉपिक की किसी एक वीडियो को चलाकर देख लिया, समझ लिया, अब फिर चाहे आप उस वीडियो को किसी भी चैनल से देखो, भले ही वो चैनल BSc के लिए हो या ना हो, उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन तो नहीं बदल जाएगी ना। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आप 11th 12th में भी थे और BSc के अंदर भी हैं, तो BSc में आपके चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके 11th 12th से मिले जुले हुए हैं, तो उन टॉपिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको किसी भी वीडियो में मिल जाएगा, चाहे वो 11th 12th के लिए चैनल हो या फिर BSc के लिए चैनल हो। आपको केवल टॉपिक की एक्सप्लेनेशन ही तो समझनी है। अब यदि आप ऐसा बोलो कि हमें तो BSc के लिए पर्टिकुलर चैनल बताओ जो इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हो, तो आपको ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा। हाँ, BSc के लिए चैनल्स मिल सकते हैं। अब BSc के लिए चैनल्स कैसे? जो BSc के टॉपिक्स कवर करते हों, जो BSc के कॉमन टॉपिक्स हैं। हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री के अंदर आते ही हैं, मैथ के अंदर आते ही हैं, फिज़िक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके से जो काफ़ी कॉमन टॉपिक्स हैं वो आपको चैनल्स पर मिल जाएंगे। और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई भी है कि बेस्ट चैनल फॉर BSc केमिस्ट्री, बेस्ट चैनल फॉर BSc फिज़िक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी के लिए। तो वो जो चैनल्स हैं वो BSc के टॉपिक्स कवर करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक इसी तरह आपको आपके बाकी सारी सब्जेक्ट्स के जो भी सिलेबस और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। एक एक टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आप यदि टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ेंगे ना, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि यदि आप चैप्टर डालेंगे तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जिसने उस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर रखा होगा, या फिर कुछ चैप्टर्स तो आपको कंप्लीट मिल भी जाएंगे, सारे नहीं मिल सकते। और यदि आप किसी एक दो चैनल पर ही पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसने केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं BSc के लिए, तो ऐसा भी मत करना। क्योंकि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपके BSc केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी को कवर कर दे। उसके लिए आपको मल्टीपल चैनल्स पर जाना पड़ेगा, और मल्टीपल चैनल्स पर जाने की बजाय यदि आप टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ते जाइए, आपने पहला टॉपिक उठाया, उसको यूट्यूब पर सर्च करा, समझ लिया, उसके नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया आपके सिलेबस का। फिर इसी तरह सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, और इस तरीके से आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कवर, और उसके आपने वीडियो देखकर समझकर उस टॉपिक को अच्छे से समझकर उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, तो इस तरीके से आपके BSc के प्रॉपर नोट्स भी बन गए, और आपने वही टॉपिक्स कवर करे जो कि आपके सिलेबस में है, यानी इन्हीं में से आपके BSc के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकते हो खुद से यूट्यूब के ज़रिए, बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग या फिर टीचर की हेल्प के। यूट्यूब ही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी स्टडी एकदम फ्री में कर सकते हैं, वो भी अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस एक एक यदि आप टॉपिक वाइज सर्च करें तो। ठीक इसी तरह मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि
क्योंकि मैथ्स को लेकर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम प्लीज़ हमें मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करवाइए। अब उसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था कि मैं आपको मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकती, क्योंकि मैथ की एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस और डेरिवेशंस आते हैं, थ्योरम्स आती है, जबकि जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएगा उसमें वो आपको क्या बता सकता है, थ्योरी बता सकता है। जो टॉपिक्स हैं मैथ्स में जहाँ से थ्योरम्स बनती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो टॉपिक समझा सकता है, उनकी थोड़ी सी थ्योरी दे देगा और फॉर्मूलाज दे देगा। पूरे क्वेश्चंस तो आपके नोट्स में कवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि बीएससी मैथ्स में काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप बुक से ही पढ़ सकते हो। आप अपनी यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर बुक लीजिए बीएससी मैथ की और फिर उसे पढ़िए, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए और उसके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आप करिए। बीएससी मैथ के अंदर नोट से काम नहीं चलेगा। इसमें भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी का वही सिलेबस निकाल कर चैप्टर देखने हैं और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप सर्च करिए यूट्यूब पर, एक एक टॉपिक समझिए किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है टॉपिक की, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनकी वीडियोज़ देखिए और फिर उस टॉपिक को समझने के बाद खुद से नोट्स बनाइए मैथ के और फिर अपनी यूनिवर्सिटी की बुक ज़रूर सॉल्व करना यदि आपको बीएससी मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो। अब ऐसे ही जो फिजिक्स वाले हैं उनको करना है, जूलॉजी बॉटनी सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए यही तरीका है अपनी यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने का, क्योंकि यदि आप किसी भी एक चैनल को सर्च करोगे तो ऐसा आपको कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करवा दे, और यदि ऐसा कोई चैनल है भी तो वो आपकी यूनिवर्सिटी का अकेला इंसान सारे टॉपिक्स तो कवर कर नहीं सकता अपनी वीडियोज़ में, काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, हो सकता है वो कुछ टॉपिक्स छोड़ दे, लेकिन हाँ आप यदि टॉपिक वाइज सर्च करेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिस पर यूट्यूब पे वीडियो ना हो, आपको केवल उस टॉपिक को ही तो समझना है। उसको आपने समझ लिया यूट्यूब की वीडियो से, खुद के नोट्स बना लिए, इधर टॉपिक भी आपको समझ में आ गया, नोट्स भी आपके बन गए, और इस तरीके से आपने जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वही पढ़ा, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें, तो अब एग्ज़ाम में वही चीज़ें आएंगी जो आपने पढ़ी होंगी। आई होप ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ आपकी बीएससी की पढ़ाई करने का, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब पूरा सिलेबस करने के बाद आपने यहाँ तक अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे टॉपिक्स पर वीडियोस देख ली है, समझ ली है, नोट्स बना लिए हैं, और फिर भी यदि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको कुछ चैप्टर के नोट्स तो मिल ही जाएंगे। अभी कुछ ही अपलोड हुए हैं, बाकी के आगे अपलोड हो जाएंगे तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो कुछ नोट्स तो आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगे, बाकी के आप खुद से बना सकते हैं, जो YouTube पर अलग अलग वीडियोस हैं उनको देखकर अपने यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स को समझकर अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके, ठीक है। अब सिलेबस कवर करने के बाद आपको निकालने हैं प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये कहाँ मिलेंगे, तो ये भी आपको गूगल पर ही सर्च करना है कि पिछले 5 साल के पेपर, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके नेम के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर्च करने हैं। अब यदि आप डायरेक्ट ऐसे सर्च करने लग जाएं कि बीएससी फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब जो गूगल आपको बताएगा वो किस यूनिवर्सिटी के बताएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी के उठा के पढ़ लोगे क्या 5 साल के? हर यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न अलग होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने का तरीका अलग होता है, मार्किंग अलग होती है, ऐसे कैसे तुम डायरेक्ट बिना यूनिवर्सिटी के नेम डाले बस कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए 5 साल के बीएससी के फर्स्ट ईयर के, तो और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया? अपनी यूनिवर्सिटी के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं जो या तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होते तो आप पर्टिकुलर नेम वाइज अपनी यूनिवर्सिटी के नेम डालकर प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन सर्च करिए यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, गूगल पर आपको मिल ही जाएंगे, तो आप गूगल पर ही सर्च करना और उन्हें डाउनलोड करने के बाद उन्हें पढ़ना है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर
कि मैम मैं इस यूनिवर्सिटी हूँ, प्लीज़ आप मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए। अब मैं हर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थोड़ी ना डाल सकती हूँ मेरे चैनल पर। कितनी सारी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, हर स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी है, सबकी अलग अलग पेपर पैटर्न है, अलग अलग मार्किंग है, तो आपको खुद ही इनको सर्च करना होगा। और यदि आपको गूगल या फिर यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं तो फिर आप अपनी जो घर के पास में कहीं पर भी बुक स्टोर पर जाइए। आपको किसी भी बुक स्टोर पर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक मांगोगे। अब ये दो तरह की आती है, सॉल्व्ड भी आती है और अनसॉल्व्ड भी आती है। यदि आपके पास नोट्स बने हुए हैं, बुक्स हैं बीएससी की, तो आपको अनसॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने हैं जिनमें ओनली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और यदि आपके पास नोट्स भी नहीं हैं, बुक्स भी नहीं हैं, तो आप सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खरीद लीजिए जिनमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। यदि आपके पास बुक्स भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, तो कहीं से तो पढ़ना होगा ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको सॉल्व्ड बुक खरीद लेनी है। जो अनसॉल्व्ड वाली है वो कम प्राइस में आएगी और सॉल्व्ड वाली ज़्यादा प्राइस में आएगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर उस सॉल्व्ड जो बुक आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसके जो भी क्वेश्चंस हैं 5 साल के, आपकी सब्जेक्ट के, आपके ईयर के, आपके यूनिवर्सिटी के, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बीएससी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। पिछले 5 साल के पेपर कर लिए तो 70-75% आराम से बन जाएगी, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लेना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी आपको कैसे करनी है, उसका भी एक तरीका है। आप अपने जैसे पिछले साल का लेटेस्ट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाला, उसमें आपने एक एक क्वेश्चन देखा, तो उस क्वेश्चन को तो आपको याद करना ही है। वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है, यानी पूरा मतलब पूरा। चाहे उस टॉपिक से पिछले साल शॉर्ट क्वेश्चन आया हो, लेकिन आप वो टॉपिक पूरा पढ़ेंगे ताकि यदि अगली बार उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो आप उस टॉपिक को कर सको। क्योंकि जो जो टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के टॉपिक पर आप टिक लगा लें आपकी बुक में, आपके नोट्स में, कि ये टॉपिक पिछले साल आया हुआ है, ईयर डाल दीजिए उस टॉपिक के ऊपर, और फिर उस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। क्योंकि यदि इस टॉपिक से आपका पिछले साल इस तरीके का क्वेश्चन आया है, तो अलग तरीके से घुमा के भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है यदि उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ओनली 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उन 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको वो क्वेश्चंस तो करने ही हैं जो आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो उनको तो आपको करने ही है, प्लस जिस टॉपिक से वो आए हैं उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से डेरिवेशन हाथ से सारे निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, और जो भी आपको लास्ट में किस तरीके से एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करनी है उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। बेस्ट तरीका बीएससी के अंदर पढ़ाई करने का उस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, लास्ट 30 डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर एनी कॉलेज एग्ज़ाम। ये आपको थंबनेल दिख रहा होगा साइड में, ये वाला आपको वीडियो देखना है इस वीडियो के बाद, ताकि आप अपनी बीएससी की लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी जान सकें। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो ऑनलाइन कोचिंग है बीएससी केमिस्ट्री के लिए, बीएससी फिजिक्स के लिए, उसके कोई चैनल्स बताइए जहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग चलती हो। तो मैंने आपको बेस्ट चैनल्स बता रखे हैं बीएससी हर सब्जेक्ट के लिए, उन चैनल्स को आप देखिए, उन्हीं पर यदि कोई क्लासेस चलती हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, उन टीचर से बात करिए, उनके कमेंट सेक्शन में आप उनसे और चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। और जो तरीका मैंने आपको बताया है बीएससी का पढ़ाई करने का, एक एक टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च करके सारे टॉपिक्स कवर करने का, वो तरीका ही सबसे बेस्ट है। उस तरीके से बेस्ट तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि जो आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे उसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है, जो नॉलेज है वो कम मिल पाती है। यदि आप केवल ऑनलाइन क्लास के ज़रिए ही पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में आए ना आए, उस वीडियो में आपको वो टॉपिक क्लियर हो ना हो, डाउट रह जाए, तो यदि आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ेंगे तो आपको एक ही टॉपिक पर काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी।
एक वीडियो में समझ में नहीं आया तो दूसरी वीडियो देख लो, जिसने शॉर्ट तरीके से समझा रखा है उसकी वीडियो देखो और फिर उस तरीके को अपना लो उस टॉपिक को समझने के लिए। फिर उस जो वीडियो है उसको आप सेव कर सकते हैं बाद में समझने के लिए, या फिर एग्ज़ाम टाइम पे उसका रिवीजन करने के लिए। और बाकी आपने उसके प्रॉपर नोट्स तो बनाए हुए हैं, नोट्स का रिवीजन आपको करते रहना है बीएससी के अंदर। अपने प्रॉपर नोट्स अच्छे से बनाएं ताकि आपको उनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, आपका खुद का मन करे पढ़ने का उन नोट्स को। इसलिए हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए बीएससी के लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी का ही पढ़िए, एक्स्ट्रा टॉपिक मत पढ़िए, टॉपिक के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आज की वीडियो में बस मेरा इतना ही कहना था कि किस तरीके से आप अपने YouTube के जरिए पूरी BSc की पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे और ला सकते हैं 80% प्लस अपनी BSc एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इट डजेंट मैटर। द वन थिंग दैट मैटर इज़ योर हार्डवर्क, योर डेडिकेशन टुवर्ड स्टडी। सो प्लीज़ बी कंसनट्रेट एंड बी फोकस वैन यू आर डूइंग योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।